अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है? वह जब हरणियां बियाती है, तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है? वे बैठकर अपने बच्चों को जन्म देती है, वे अपनी पीड़ाओं से छूट जाती है, उनके बच्चे हष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता, वह सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे, वह कोई वन पशु उसे कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धिरहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह सीधी होकर अपने पंख फैलाती है, तब वह घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टीढ़ी की सी उड़ने की शक्ति तू देता है? उसके फुक्कार का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाती है। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंह का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह हीन हीन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे सामने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लोहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते वहां वह भी होता है।